इसमें क्या होगा कि अ पॉपुलेशन अगर सारे एज ग्रुप्स बैलेंस्ड हैं सो दैट विल एक्चुअली बिकम स्टैटिक, बट इफ अ पॉपुलेशन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, अगर उसमें ज्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स आ रहे हैं सो उस पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कि इट एक्चुअली शोज द नेगेटिव ग्रोथ है. ठीक है, सो इन्हीं तीन फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए द साइंटिस्ट दे एक्चुअली केम अप विद द कंप्लीटली न्यू टर्म व्हिच इज नोन एज द एज पिरामिड्स. ठीक है, एज पिरामिड्स क्या होते हैं? दीज एज पिरामिड्स दे आर एक्चुअली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. एज ग्रुप्स कौन से? द थ्री एज ग्रुप्स, द प्री रिप्रोडक्टिव, द रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव वंस. ठीक है, तो ये तीनों एज ग्रुप्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव वंस दे आर प्रेजेंट एट द बेस, रिप्रोडक्टिव वंस इन द मिडल एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव वंस दे आर एट द टॉप. सो इसी के बेसिस पे किसी भी पॉपुलेशन को हम थ्री टाइप्स की पॉपुलेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं. इट कैन बी एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, इट कैन बी अ स्टेबल पॉपुलेशन और इट कैन बी अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. ठीक है, तो कोई भी पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग कब होगी? जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स या प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स के ज्यादा होंगे एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होंगे. सो दिस इज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. सो दिस पर्टिकुलर, दिस इज द लोवेस्ट वन विच इज एक्चुअली द प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. ठीक है, उसके बाद में फिर ये क्या है? दीज आर द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड बाद में क्या है? द पोस्ट रिप्रोडक्टिव. So this is the this graph shows the expanding population. मतलब population constantly increase कर रही है. तो ये कौन सा growth show करेगी? It will show the positive growth. Whereas stable population कौन सी होगी? Stable population वो population होगी जिसमें almost सभी age groups they are actually balanced. ठीक है, सभी जब सब balanced होंगे तो उसको हम stable population बोलेंगे. But declining population कौन सी होगी? जिसमें अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की का नंबर अगर ज्यादा होगा सो दैट पॉपुलेशन इज एक्चुअली नोन एज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. ठीक है, अगर हमको इनमें एग्जाम्पल्स अगर हम करें सो इंडिया एंड चाइना दे एक्चुअली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. ठीक है, द पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग सो दीज टू कंट्रीज दे एक्चुअली फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन में हम जनरली वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंट्री ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में क्या है? दे आर जनरली सभी एज ग्रुप्स दे आर मोर और लेस बैलेंस्ड. बट इफ यू टॉक अबाउट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जापान का. जापान में एक्चुअली क्या है? जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर ज्यादा है. ठीक है, तो एक्चुअली उस कंट्री में एक बहुत ही क्या वो वियर्ड लॉ है या कुछ भी बोल सकते हैं कि मतलब अगर इफ एनी कपल वांट्स टू हैव इफ ही दे प्लान टू हैव मोर देन वन चाइल्ड तो दे आर गिवन सम स्पेशल बेनिफिट्स. ठीक है, बिकॉज उनकी जो जापान जैसी कंट्री में द पॉपुलेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लिनेशन सो द पीपल और द इकोलॉजिस्ट दे एक्चुअली हैव टू एनहांस द पॉपुलेशन. सो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे लॉज बनाए हुए हैं कि इफ एनी कपल वॉन्ट्स टू कंसीव मोर देन वन चाइल्ड सो दे आर गिवन सम स्पेशल बेनिफिट. ठीक है, सो दिस इज दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. नाउ आई राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थ्री इन द मीन वाइल यू कैन स्टार्ट राइटिंग दीज. ठीक है,
मैम वो सेकंड वाले का नाम क्या है? इसका नहीं मैम, नीचे नीचे बेल शेप्ड बेल। ओके, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ यू हैव कंप्लीटेड यू कैन गो। ध्रुवल तुम्हारा भी हो गया?